आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शांत गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। पागलपन की बात कर रहे हो, लकी का ख्याल छोड़ दो, लकी किसी के पास नहीं जाएगी। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ज़्यादातर साउथ की फिल्मों में काम किया और कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। वो कहती थी कि जब मैंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था तो मैं बिल्कुल अकेली थी और लोगों ने मुझे गलत नज़र से देखा, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन की वजह से मैंने अपना एक नाम बनाया, एक मकाम बनाया, और वो थी द बोल्ड एंड ब्यूटिफुल सिल्क स्मिता। जवानी जवानी जलती जवानी होठों पे आई है आग प्यारे की। मुझे पता चला कि वो चारों शैतान यहाँ से बीजापुर पिकनिक के लिए आए हुए थे, इसलिए यहाँ पहुँच गई। उन शैतानों को मारने के लिए मैंने कराटे भी सीखा। मौके की तलाश करते हुए मैं वक्त बिताने लगी। 2 दिसंबर 1960 को पैदा हुई थी सिल्क स्मिता आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में, एक तेलुगु परिवार में। उनके पिता का नाम था रामल्लू और उनकी माँ का नाम था सरसम्मा, और सिल्क का असली और पूरा नाम था विजय लक्ष्मी। सिल्क स्मिता के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए सिल्क स्मिता की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। सिल्क स्मिता ने सिर्फ 4th तक स्कूलिंग की, उसके बाद मजबूरी में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। दिन गुजरने लगे और सिल्क आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी। एक जवान और खूबसूरत लड़की को घर में महफूज रखना माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उनके माँ बाप ने फैसला किया कि सिल्क की शादी कर दी जाए ताकि बेटी का घर भी बच जाए और माँ बाप की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए। उस वक्त सिल्क सिर्फ 14 साल की थी। एक अनजान आदमी से उनकी शादी कर दी गई, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि सिल्क के पति और उनके ससुराल वाले सिल्क पे बहुत जुल्म करते थे। सिल्क ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर छोड़ के भाग गई। चेन्नई आ गई, अपने एक रिश्तेदार के साथ रहने लगी। उनकी रिश्तेदार एक मेकअप आर्टिस्ट थी, सिल्क उनके साथ सेट पर जाया करती थी और सारे मेकअप आर्टिस्ट के गुर सिल्क ने उनसे सीख लिए थे और खुद एक मेकअप आर्टिस्ट बन गई और साथ ही साथ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। सिल्क ने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफें देखी थी, वो चाहती थी कि वो एक दिन बहुत मशहूर बने और नोन हो, इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। एक दिन स्टूडियो के बाहर सिल्क को देखा साउथ के मशहूर डायरेक्टर ने, और उनका नाम था वीनू चक्रवर्ती, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सिल्क को बाकायदा डांस की और एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सिल्क स्मिता ने डेडिकेटेडली डांस और एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली और वीनू चक्रवर्ती ने उन्हें कई प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को रेकमेंड किया, और देखते ही देखते सिल्क स्मिता ने कई फिल्में साइन कर ली स्मिता के नाम से। 1979 में सिल्क की एक तमिल फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था बंदी चक्रम, उसमें उनके कैरेक्टर का नाम था सिल्क। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और सिल्क का रोल लोगों को बहुत पसंद आया और उनके फैंस और चाहने वालों ने उन्हें नाम दिया सिल्क, और ऐसे विजय लक्ष्मी बन गई सिल्क स्मिता। इस फिल्म के बाद सिल्क ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया, जैसे
तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। उनकी खूबसूरती और दिलकश अदाओं ने लोगों को दीवाना बना दिया। यहां तक कि अगर कोई साउथ की फिल्म बिकती नहीं थी तो उसमें सिल्क का एक डांस डाल दिया जाता था और वो फिल्म हाथों हाथ बिक जाती थी। सिल्क ने साउथ के बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, जैसे कमल हसन और रजनीकांत। वेरन थैंक्स नाना। वेरन वेरन। परणे। परणे। आई लाइक यू। परगे निंगा त्यागो वड़े। वप्पाटी। साउथ की फिल्मों के साथ साथ सिल्क ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे जानी दोस्त, कैदी, पाताल भैरवी और ऑफकोर्स सदमा को कौन भूल सकता है। कितना कुछ सोचा था, कितने सपने देखे थे, लेकिन दूर से सब सुहाने लगते हैं। रात को कितने बजे सोते हो? रात को कितने बजे सोते हो? दोस्तों, सिल्क के दोस्तों का कहना था कि वो बहुत इंट्रोवर्ट थी, आसानी से दोस्त नहीं बनाती थी। उनकी नेचर बिल्कुल बच्चों जैसी थी, वो बहुत मासूम थी और इसी मासूमियत का फायदा लोगों ने उठाया। सिल्क का दिल कई बार प्यार में टूटा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने अल्कोहल का सहारा ले लिया, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा और धीरे धीरे उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 23 सितंबर 1996 सिल्क ने अपनी कलीग और अच्छी दोस्त अनुराधा को फ़ोन किया और कहा, अनुराधा तुम जल्दी मुझसे मिलने आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अनुराधा को थोड़ी देर हो गई और जब वो सिल्क स्मिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सिल्क स्मिता की बॉडी अपने घर के पंखे पर लटकी हुई थी। सिल्क स्मिता ने आत्महत्या कर ली थी। अनुराधा कहती हैं कि काश मैं सिल्क के घर थोड़ी जल्दी पहुंच जाती तो शायद सिल्क आत्महत्या नहीं करती। बाद में पुलिस ने बताया कि सिल्क स्मिता के बॉडी के अंदर अल्कोहल की मात्रा काफ़ी पाई गई। दोस्तों, सिल्क की डेथ के बाद उनकी लाइफ पे एक बायोपिक बनी और उस फिल्म का नाम था द डर्टी पिक्चर, जो आई थी 2011 में और सिल्क स्मिता का रोल किया था मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन ने। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसने 3 नेशनल अवार्ड्स भी जीते। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे चाहते हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। दोस्तों, सिल्क स्मिता बहुत कम एज में ये दुनिया छोड़ के चली गई, एट द एज ऑफ 35, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।